जय हिंद दोस्तों मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो अचानक क्या डायलॉग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों खासतौर से वो हमारे साथी जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आप भी घंटी दबा दीजिए एक बार अच्छा दोस्तों आई होप कि आपकी होली अच्छी गई होगी आपने खूब मजे करे होंगे और अब हम आते हैं अपनी पुरानी आदत पे कौन सी आदत आपको पता ही कौन सी आदत है अच्छा पाकिस्तान को भारत ने फिर यूनाइटेड नेशंस में जलील कर दिया अब आप बोलेंगे मेजर साहब डेली वही खबर पाकिस्तान को जलील कर दिया पाकिस्तान को जलील कर दिया पाकिस्तान को जलील कर दिया यह कोई नई खबर लेकर आई है यार वो रोज जलील होता तो मैं कौन सी नई खबर अपनी तरफ से बना दूं यार आपके लिए आप खुद सोचो मुझे लोग डीएम करते हैं यार मेजर साहब ये ये पाकिस्तान जलील हो गया पाकिस्तान जलील हो गया पाकिस्तानी अखबारों में भी यही लिखा रहता है कि हम जलील हो गए अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं आई आई कैनॉट डू एनी ये सच खबर है मैं आपको बताता हूं ये देखिए अब कैसे जलील हुआ ये भी सुन लीजिए बिलावल भुट्टो को बुलाया वहां पर पाकिस्तान को बुलाया तो ये बिलावल भुट्टो ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन है ये पहुंच गया यहां पे तो एक यू नो यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे डिबेट थी वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर ठीक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर थी अब एक बात बताओ यार वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आसपास बिल्लो ने वहां पे भी कश्मीर की बात बिल्लो को इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है तो मुझे यह नहीं सम... मेरी शिकायत मेरे खुद के फॉरेन ऑफिस से है कि देखो आप उसको जलील करोगे और ये जो वहां पे इंडियन फॉरेन सर्विस की एक तो स्मार्ट लेडी इंडियाज यूएन एम्बेसडर रुचिरा कम्बोज. तो स्मार्ट तो होगी वो रुचिरा कंबोज ने बोल दिया बिफोर आई कंक्लूड सुनिए लेट मी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिमार्क्स मेड बाय द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइ डेलीगेशन कंसिडर्स इट अनदी सुनिए इसको कहते हैं चप्पल पानी में भिगा के पूरी रात भिगा के फिर मुंह पर मारना डा कह रहे इनकी औकात नहीं है फालतू के फाल लोग बिल्लो हर जगह पहुंच के यही बात करता है और पूरे पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं आप कभी पाकिस्तानी से पूछेगा आप किसी भी सड़क चलते पाकिस्तानी से बोल उसके दिमाग में भी यही है तो बिल्लो इज जो कॉमन मीडियन है ना एक मीडियन है एक, एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का बिल्लो रिप्रेजेंट दैट तो इससे ज्यादा कश्मीर से ज्यादा कभी ना इन्होंने सोचा ना कश्मीर से ज्यादा कभी समझा अब ये पहुंच गया वहां पे वुमेन के बारे में बात करने के लिए ठीक है और वुमेन के बारे में बात करने के लिए बिल्लो ने ये सब चार बातें कर दी कि, कि कश्मीर में ये हो रहा है कश्मीर में ये हो रहा है कश्मीर में ये हो रहा है ठीक है तो देखिए पाकिस्तान को ना बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पाकिस्तान को कभी यूनाइटेड नेशंस कभी यहां कभी यहां क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम्स दुनिया भर में भरे हुए हैं इधर बात करो और चाइना बहुत पुश करता है पाकिस्तान को लेकिन पाकिस्तान हर समय वही अंडा देता है यार वही अंडा देता है अब मुर्गी तो अंडा ही देगी तो मुर्गी अंडा दे देती है वो अंडा क्या है कश्मीर का ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बिलावल भुट्टो में अगर थोड़ी सी भी अकल होती है विच इज होपिंग फॉर टू मच फॉर अ पर्सन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल स्टैचर एंड कैलेबर लेकिन यार

बोलें कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं प्लीज कमेंट पाकिस्तान के सियासतदानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है ये मैंने एक बात नोट करी है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले और आप जाके अंडा दे दें वहां पर एक बार अंडा दिया दो बार अंडा दिया पिछहत्तर साल से आप कितने सारे अंडे दे दिए आपने पिछहत्तर साल में यार आप कश्मीर के अलावा और भारत को क्या फर्क पड़ रहा है भारत को कुछ फर्क पड़ा आप कश्मीर बात करते हैं कश्मीर के बारे में बात करते हैं उससे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसका चाहे कोई भी वजह हो उसकी कोई भी कारण हो हो सकता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट है जो भी आप अपने मन को जिसको कहते हैं कि अपने मन को खुश रखने के लिए कोई भी ख्याल आप अपने मन में ला सकते हैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों वो आपकी मर्जी है लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर कि दुनिया कश्मीर के बारे में बात नहीं करना चाहती सिर्फ आप हैं जो जुनूनी पागलों की तरह लगे हुए हैं कश्मीर 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 आपके जो मुसलमान मुल्क हैं उन्होंने भी छोड़ दिया कश्मीर के बारे में बात करना ये बीच में तुर्की को हिचकी आ जाती हैं एक दो बस डेट्स इट कोई पसंद नहीं कर रहा कश्मीर के बारे में बात करना बिकॉज लोग कहते हैं फालतू की चीजें यार इसको घर पर खाने पर बुलाओ ये कश्मीर कश्मीर करता है यार इसको बोलो कि चलो यार बाजार घूमने चलते हैं ये कश्मीर कश्मीर करता है इसको बोलते हैं यार चलो फिल्म देखने चलते हैं उसमें भी कश्मीर कश्मीर पागल -पागल है, क्या है ये। और ऐसे ही पाकिस्तान के रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की बेजती दी लेकिन यार पा... मैं भी से कहता हूं जवाबी क्यों देते हो, हो सकता है बट डिप्लोमेटिक कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बट यही चीज मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे इनको इतना शानदार मौका मिला कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करें दुनिया के सामने यार पाकिस्तान को लाएं दुनिया के सामने यू you नो know, कि यार पाकिस्तान में हम लोग ये कर सकते हैं आप लोग आके इन्वेस्ट करिए कोई कोई नहीं हम लोग जैसे वो डिसलिनेशन प्लांट्स होते हैं ना जो खारे पानी को मीठा बनाना हम वो कर सकते हैं यार हमारे सिंध में और बलूचिस्तान में ऐसी रेगिस्तान की जमीन है जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर आप सोलर आ, एनर्जी के बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट सोचें ये बात कर सकते हैं ये लोग ठीक है और ड्रिप वॉटर इिगेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ये ऐसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी और, और खाजा डिफॉल्ट तो कर, कर चुके हैं ये लोग तो आई डोंट नो कौन सच बोल रहा है पाकिस्तान में तो कभी पता नहीं लगता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है लेकिन यार यही चीज वही पुरानी एनी वे इनकी मर्जी भाई हिंदुस्तान को तो फायदा ही है इसका चलो जी यहां पे ये यह कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं यहां पे यूएस का एयरफोर्स है वो नासा का और इसरो का एक जॉइंट सैटेलाइट है उसको लेके प्लेन लैंड हो गया ठीक है ट्रांसपोर्ट प्लेन ऑफ कैलिफोर्निया विद नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर निसार इसका नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट फॉर अ अट मिशन टू मेजर चेंजेस इन दर्थ क्रस्ट एंड लैंड आइस सर्विस ग्लोबली दस ए आर सैटेलाइट विल मेजर चेंजेस इन दर्थ इको सिस्टम बींग रिसर्च

नासा और इसरो ने सात एक सैटेलाइट बनाई है जो इंडिया से लॉन्च कर रहे हैं ठीक है और यहां पे वही बिल्लो के पुराने गाने कश्मीर 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 फिर ये पूछते हैं कि वहां पे गूगल का सीईओ इंडियन क्यों लगा हुआ है ये सब बेकूफी के सवाल मत पूछा करो मैं मैं जानता हूं आप अच्छे मन से बात करते हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं रिएक्शन लेते हैं पब्लिक से आप अच्छे मन से बात कर रहे हैं आपकी नीयत साफ है लेकिन आपके सवाल का जवाब यहां पर है आपके सवाल का जवाब यहां पे है कि आपका इतना बेड़ा बेड़ागर किसलिए हो रखा है क्योंकि आपका एक जिसको कहते हैं ना कि एक ऑब्सेशन है आपका और इन लोगों का भी नहीं है ये आपने गरीबों को भी इसी लाइन पे लगा दिया कश्मीर में जिसको आप लोग पाकिस्तान में कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगा दिया वो ट्रक की बत्ती कश्मीर है सब भाग रहे हैं उसके पीछे भागो अच्छा दुनिया पाकिस्तान को जलील कर रही है पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को जलील कर रहे हैं ये कैसे जलील कर रहे हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसने बोला है कि भाई बेसिकली फवाद चौधरी है डब्बू नहीं है गोल मटोल सा मोतीचूर का लड्डू मोतीचूर के लड्डू ने बोला कि भी हमारे कायद इमरान खान ने तो कभी बोला ही नहीं हमें आर्मी चीफ से मिलना है वो तो कह ही नहीं रहा कि आर्मी चीफ से मिलना है उसको तो मिलना ही नहीं आर्मी चीफ से जनरल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आया इनडायरेक्टली वो किस तरीके से आया जियो न्यूज का एक प्रोग्राम है आज शाहजेब खानजादा के साथ शाहजेब खानजादा एक बहुत मशहूर एंकर है तो उसका शो है आज शाहजेब खानजादा के साथ इसमें वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम ने बिजनेसमैन को बताया था बिजनेसमैन की मीटिंग हुई थी पता नहीं आर्मी चीफ क्यों बिजनेसमैन से मिल रहा है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया लेकिन मिल रहा है उसकी मर्जी पाकिस्तानी है कोई बात नहीं पीटीआई चीफ इमरान खान सेंटे में मैसेज सीकिंग अ मीटिंग तो जनरल आसम ने मना कर दिया पीटीआई वालों को कि भाई मैं आर्मी चीफ हूं मेरा काम नहीं है तुम नेताओं नेताओं से मिलना भागो यहां से पाकिस्तान का खुदा है यार पाकिस्तान का खुदा है मौला मेरे मौला। कवाली भी सुनी, मौला मेरे लेले मेरे वो मौला 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 सुनी वो कौन है मौला आसम नहीं रहे वो कहता तुम इमरान खान मुझसे मिला तुम्हारी औकात भागो यहां भागा भगा दिया दौड़ा दिया इमरान खान को इमरान खान जलील हो गया जनरल आसम असर्टेड आर्मी वुड नीदर इंटरफियर इन पॉलिटिक्स नो वोट प्ले एनी रोल इन इट तो आसिम मुनीर ने कह दिया देखो आसिम मुनीर का यह कहना कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे आपस में झूठ है ये 24 कैरेट का झूठ है प्योर झूठ है खालिश झूठ है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इसी काम में तेज है यार ये तो वही चीज होती है कल विराट कोहली बोले कि कल से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा ऐसा कैसे हो सकता है यार विराट कोहली जिस गेम में अच्छा वही तो खेलेगा ही इज द वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन कहानी खत्म हो गई उसने खेलना ही क्रिकेट है उसी प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी मैंने आपको बताया था ना पाकिस्तानी आर्मी के बारे में बड़े बार बता भी चुका हूं कि जंग कदी जीती नहीं इलेक्शन नहीं 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 जंग जीती इलेक्शन तो ये पाकिस्तानी आर्मी का किरदार है ये उनका कैरेक्टर है ये जंग कोई जीत नहीं सकते इलेक्शन कभी हारते नहीं सारे प्लॉटों पर इनके कब्जे हैं तो ये कहना कि जी हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि अगर तुम्हारी फौज पॉलिटिक्स नहीं करेगी सियासत नहीं करेगी तो करेगी क्या वो करेगी क्या क्या वो टेहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं रोज ठोक रहे हैं उनसे बचा पा रही है तुमको नहीं बचा पा रही वो तो पाकिस्तानी हो आप लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है और दो ढाई साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है वरना तुम्हारी फौज यहां पर कव्वालियां गा रही होती मैं बता रहा हूं कव्वाली गाने से अच्छा और इनके लिए कोई काम ही इनको आता ही नहीं कुछ है अपने प्लॉट बनाओ अपने डीएचए में बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपने बहरिया टाउन में बड़े बड़े प्लॉट यही इनका काम है इनके अलावा तो दे डोंट नो हाउ टू डू एनीथिंग एल्स तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में झूठ है आसिम मुनीर का लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर आसिम मुनीर ने इमरान खान को जलील कर दिया अब आप देखिएगा अगले छह सात दिन में इमरान खान आसिम मुनीर को जलील करेगा ये आपस में एक दूसरे को जलील करना इन्होंने शुरू कर दिया अच्छा अब एक और देखिए साहब बिल्लो पर वापस आते हैं बिल्लो डॉन एकदम डॉन लेवल का है बिल्लो बिल्लो Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari reached New York on Tuesday to attend the first UN conference on the rights of women in Islam on the first international day to combat islamophobia. Pakistan as the chair of the OIC Council of Ministers is hosting the march eight conference at the UN headquarters in New York on the sideline of the 67th session of the UN Commission on Status of Women. The general perception that Islam promotes the oppression of women is misplaced. Pakistan's UN mission देखो तो इसमें फ्रॉड है पूरा ये कहता है कि यार एक जनरल परसेप्शन है कि जो इस्लाम है इट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड दिस इज रॉन्ग ये फिर विक्टिम कार्ड खेला है इन्होंने ठीक विक्टम कार्ड खेला पाकिस्तानियों ने बहुत बात ये नहीं कि इस्लाम प्रोमोट करता है कि नहीं करता जितने भी पुराने धर्म हैं ठीक है खासतौर से एब्राहमिक फेथ्स वहां पर ज्यादातर यह देखा गया है कि यू you नो know, एक एक तरीके का की ये यू you नो know, इस तरीके से वुमेन को ट्रीट करना है ऐसे इसको ट्रीट करना है वो बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म के की ये लिखा है कि अगर तुम ये करोगे तो ये मिलेगा मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत सारे हैं उसमें जनरली क्रिश्चियनिटी में भी हैं और इस्लाम में भी हैं बात वो नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है बात ये नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है बात ये है कि मुस्लिम कंट्रीज में होता क्या है इस्लाम क्या कहता है वो इरेलीवेंट है यार तुम तो नहीं मानते ना वो क्या कहता है अगर तुम मान रहे होते तो तुम्हारी जिंदगी में इतना कलेश नहीं होता तुम्हारी जिंदगी में कलेश है इसका मतलब तुम नहीं मान रहे कुरान में क्या लिखा है भाई कुरान में जो भी लिखा है मैं ये कह रहा हूं लोग जो नॉन मुस्लिम हैं कम से कम से जिन्होंने अगर मैं नॉन मुस्लिम हूं और मैंने कुरान नहीं पढ़ी है तो मैं इससे जज थोड़ा करूंगा कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है मैं तो इससे जज करूंगा जो मैं अपने सामने देखूंगा कि मुसलमान क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं मैं तो उससे जज करूंगा तो यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्रॉड है ठीक है जो बिल्लो ने बोल दिया कि एक ऐसा तासुर पाया जाता है कैसा कहते हैं कि इस्लाम सिखाता है वुमेन को ओप्रेस करना यह बात गलत है इस्लाम क्या सिखाता है वो मुझे नहीं पता एज नॉन मुस्लिम मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी मैंने हदीस नहीं नहीं पढ़ी तो मुझे कोई नॉलेज है कि इस्लाम क्या सिखाता है लेकिन क्या होता है वो तो आंखों के सामने दिख रहा है जैसे कल ही इन्होंने बोल दिया था कि सब हिजाब पहनेगी पीओके में अभी इस्लाम सिखाता है नहीं सिखाता मुझे नहीं पता बट जो करते हो वो तो दिखता है ना करते हो वो तो दिखता है अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये मीटिंग ये हुई है वुमेन के ऊपर इसमें बिल्लो क्यों पहुंच गया यार हिना रबानी खर है जो उसकी नंबर टू है शी इज अ लेडी शी शुड बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन वो पहले फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की रह चुकी है वेरी वेल स्पोकन वेरी सॉर्टेड आउट वेरी मेंटली बैलेंस्ड लेडी एंड शी हैज एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी इट इज सेट शी इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर इनको भेजना चाहिए था हिना रबानी खर को

मैं ये किसी चीज के लिए भी कट लेता यार ये कॉन्फ्रेंस ही है वुमेन के लिए शुंट वुमेन बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन शुंट वुमेन बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन वाई शुड बिलावल भुट्टो जरदारी और वहां पर भी, भी पता मैं बता रहा हूं ये वुमेन की उसमें भी वही कहेगा कि कश्मीर है मोदी है बस इसने यही बात करनी है हर जगह सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है देखिए मैं आपको बताता हूं ये इस्लाम इस्लाम की बात करते हैं ना सऊदी अरब सऊदी अरब बड़ा कोई मुसलमान मुल्क है नहीं क्योंकि मक्का मदीना वहीं पर

लेशिया चले जाइए आप यू यू कैन यू कैन गो टू इंडोनेशिया यू कैन गो टू सो मेनी मुस्लिम कंट्रीज दे आर टोटली डिफरेंट ये पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या ही यहां पे प्रॉब्लम है आई डोंट नो इनका है कुछ सॉफ्टवेयर का मामला बहुत तगड़ा अब बिल्लो जाता है वुमेन कॉन्फ्रेंस में ये क्या बोलेगा यार बिल्लो तुझे क्या पता दर्द यार किसी का कोई लेडी का कोई तुम्हारे खुद के मुल्क में ठीक है बिल्लो गया बिल्लो ने एक बार बोला एक बार बोला इसने कि जो औरत मार्च हो रहा था उसके ऊपर अटैक हो गया औरत मार्च के लिए मना कर रहे हैं वहां पे लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो मौलवी है वो कह रहे हैं कि ये बेहयाई हो रही है और एक हया मार्च करेंगे हम औरत मार्च के खिलाफ हर साल ये कलेश होता है कि औरतें मार्च करती हैं और हर साल वहां पर कुछ ना कुछ कलेश होता है और कोई ना कोई मौलवी मौलाना खड़ा हो जाता है अपने देश में ये औरतों के लिए कुछ नहीं कर रहा बिल्कुल मौका मिला अमरीका जाने का फट से टाई वाई पहन के चला गया ये फट से टाई पहन के चला गया कि औरतों के हक के लिए मैं बात करूंगा अरे तेरे मुल्क में जो औरतों का बेड़ा गर्खो रखा वो तो कर यार इसको ट्रिप चाहिए बिल्लो को ठीक है इसका मुल्क डूब जाए बाड़ में चला जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्लो को फॉरेन ट्रिप चाहिए क्योंकि बिल्लो के बाप ने इसको समझा दिया कि बेटा अगला प्रधानमंत्री तू बनेगा पाकिस्तान का और इसके लिए तुझे एक्सपोजर की जरूरत है और क्योंकि तेरे को एक्सपोजर की जरूरत है ये पैसा कौन देगा एक्सपोजर का रियासत पाकिस्तान पैसा देगी तो ऑफिशियल खर्चे पर बिल्लो घूम रहा है पूरी दुनिया ठीक है ये लेडी संगीत टाइप का जो मैंने बताया था ना यही प्रॉब्लम है बिल्लो के साथ बाकी वही पाकिस्तान में यार वो अटैक वटैक हो गए ये इसको मार दिया खाइबर पख्तून उसको मार दिया खून खराबा ये डेली की खबर है अब तो मैंने विस्तार से कवर करना ही छोड़ दिया क्योंकि यार ये क्या एक जलील होता है खून बहता यही दो चीजें हैं पाकिस्तान में तो हर रोज मैं ना क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन से अब कई लोग मुझे ये कह रहे हैं कि यार मेजर साहब पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत हो गया बाहर की भी खबरें कुछ बताइए तो मैं यार की खबरें आपको दे दूंगा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट एक बार ध्यान रखिएगा आपको मजा नहीं आएगा है ना वो आपको मजा नहीं आएगा आप देखो ना आप यूरोपियन सूप पीते हो ठीक है आप यूरोपियन सूप पीते हो ठीक लगता है ऑल राइट इट्स ओके बट कभी साउथ इंडियन रसम पियो तो आता ना मजा उसमें रसम का जो मजा है वो तो रसम का मजा है वो सूप से नहीं मिलेगा आपको तो दिस इज रसम जो मैं आपको पिला रहा हूं ठीक है तड़के वाला बढ़िया वाला रसम पिला रहा हूं मैं आपको अब ये पता नहीं यार आपको मैं यूएस की यूके की खबरें लाऊं आपको अच्छी लगे ना लगे आई विल ट्राई ऋषि सुनक ने बोला है, है, एक, एक है ट्ट भी करा है कि इफ यू कम हिगली यू कांट क्लेम असाइलिगल इमिग्रेंट के लिए बोला है इफ यू कम हर इली यू कांट क्लेम असाइलम यू काट बेनिफिट फ्रॉम अ मॉडर्न लेवरी प्रोटेक्शन यू कांट मेक्स पोरियस ह्यूमन राइट क्लेम्स एंड यू कांट स्टे वी विल डिटेन दोन रिवे इन वीक्स इधर टू दर ओन कंट्री इफ इट इज सेफ टू डू सो टू अव थर्ड कंट्री लाइक रवां एंड वंस यू रिमूव यू विल बी बैंड एज यू आर इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम एवर एंट्रिंग आर कंट्री यह बड़ा देखिए बड़ी तगड़ी बात कहती रिशिना ने एक्चुअली क्या है कि कई लोग इलीगली पहुंच जाते हैं यूके और इलीगली यूके पहुंच गए और फिर वहां पर कामधाम करना नहीं राइट right? और वहां पर जो बेरोजगारी भत्ता है वो लेना बच्चे पैदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा फिर वहीं पर रहते हैं वहीं पर पूरे सिस्टम का वाट लगा देते हैं लोग तो ऋषि सोनक ने बोला आप स्वागत है आपका लेकिन आप लीगल तरीके से आओ यार लीगल तरीके से आओ आप अप्लाई करो सिटीजनशिप और जो हमारा कानून है आप कानून को फॉलो करो स्वागत है आपका यार कोई मना थोड़ा ना कर रहा है आपको लेकिन चुपचाप घुस जाना फिर वहां पे चोरी से रहना ये करना ये बिल्कुल कह रहा है कि मैं आपको निकाल दूंगा वापस आपके देश भेज दूंगा अगर सेफ नहीं है आपके देश भेजना तो मैं आपको रवांडा भेज दूंगा रवांडा के साथ कोई टाइप वाइप होगा और कहते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यही चीज है और होना भी चाहिए लेकिन ऋषि सुनक ने कह दिया वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके उसने कह दिया तो लोगों ने बोला हाँ हाँ चलो ठीक है वहां पे रूल ऑफ लॉ है और जो भी वो लोग करते हैं तो ठीक ही करते हैं अपने कानून के हिसाब से गुड 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 यही चीज अगर मोदी जी कह देना रोहिंग्यास के बारे में मैं बता रहा हूं अगर यही चीज मोदी जी कह दें कि जिस रोहिंग्या को भारत आना है वो अप्लाई करे सिटीजनशिप के लिए और हमारा कानून मान के आए वरना हम उनको वापस भेज देंगे अरे बाबा

जो लेफ्ट विंग इको है जो लिबरल इको है उसने कुछ नहीं बोला और यही चीज भारत फेस कर रहा है अगर हम कल बोल देना रोहिंग्या को वापस भेजो फासिस्ट है हिंदुत्व है ये है फलाना है ढिमका ये यही चीज है ना लोगों के हिपोक्रेसी है लोगों के बाहर हो तो ठीक है देश में हो तो गड़बड़ है तो दोस्तों यहां से हम अपना ये वीडियो खत्म करके आपके लिए अब लाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड है देखिएगा आप डोंट गो अवे गुड इवनिंग मेजर गौरव सर आई एम शुभम पराशर फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट माय क्वेश्चन इज शुड इंडिया मेक दर ओन इंटरनेशनल रिलीफ मेडिकल टीम सच एज रेड क्रॉस एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एंड प्रमोट दैट टीम विच हेल्प आर कंट्री टू स्प्रेड आर हेल्पिंग मैसेज एंड प्रमोट सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया शुभम जी नमस्कार और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर इसको हम हम कर भी रहे हैं जैसे कि हम uh, किसी के लिए मदद भेजी कुछ करा दिस इंडिया इज डूइंग राइट लेकिन आपकी बात में बिल्कुल दम है कि जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रमोट यू शुड हैव अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स वेल पेड डॉक्टर्स एंड यू नो जैसे एनडीआरएफ में लोग होते हैं ना उस तरीके की कि कहीं पे भी दुनिया में हो एंड दे शुड बी स्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे शुड बी इन टच विद द लोकल एम्बेसिडर द इंडियन एंबेसिडर टू दैट कंट्री और इंडियन हाई कमिश्नर टू दैट कंट्री कि ये कभी भी पहुंचे कहीं पर अपना जहाज लेके और लोगों की मदद करना शुरू करें आई रियली लव योर पॉइंट इट्स अ वंडरफुल पॉइंट इट्स अ अल पॉइंट इंडिया ये काम कर रहा है बट इसकी पूरी एक्सरसाइज जो ब्रांडिंग की एक्सरसाइज है ना आई थिंक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड आई अग्री विथ यू लियो एंड टोरस जय मेजर आई एम एन करेंटली वर्किंग इन टेक्सिस यूएसए मैं मेरी जनाब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपना नाम नहीं लिखते आप अपना नाम लिख दीजिए ना तो मुझे पता लग जाएगा लियो एंड टॉरस ये पक्की बात है आपका नाम नहीं है बट ठीक है लियो जी टॉरस साहब नमस्कार जयंत चलिए मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं माई क्वेश्चन इज रिसेंटली यूएस एंड पाक कंक्लूडेड टू डे काउंटर डेउंजम डायलॉग एंड एट रिवाइविंग सम ऑफ ऑफ द द काउंटर पोस्ट एरा टू असिस्ट पाकिस्तान इन टैकलिंग टैक्लिंग थ्रेट सो वाई डज यूएसए नॉट कोऑपरेट विद पाक टू एलिमिनेट एलईटी जेईएम Is this not दिस नॉट अ डबल स्टैंडर्ड and सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट terrorism? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट बनाया मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका ने तालिबान बनाया मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए लेकिन यह सच है कि जब इस्लामिक स्टेट बन रहा था जब पाकिस्तान तालिबान बना रहा था जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा था अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज था राइट अमेरिका को पता था पाकिस्तान क्या कर रहा है अमेरिका के पास सेटेलाइट पिक्चर्स थी पाकिस्तान क्या कर रहा है लेकिन अमेरिका चोज तो लुक दिया दें लुक दिया आज की तारीख में अमेरिका देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी क्या क्या है, है। पाकिस्तान के ऊपर और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका उनको चाबी नहीं दे रहा आपको क्या लगता है अमेरिका, no, तो अमेरिका चाबी लगा लगाता है पाकिस्तान को भी लगाता है अभी अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ और चाहिए और मैं बताता हूं क्या चाहिए और पाकिस्तान फंस गया है लालची लोग हैं पैसे पकड़ लिए अमेरिका से अब उनको लगता है कि अमेरिका तो वही पुराना दिलदार है पैसे देगा और हम लोग भूल जाएंगे बाद में और फिर हम अमेरिका शैतान है अमेरिका हाय हाय अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे पैसे भी खाएंगे मजे करेंगे अब वो चाबी तो हो गई क्लोज ठीक है दैट इज गॉन वो जो चाबी है ना उसने दरवाजा बंद कर दिया चाबी क्लोज हो गई वो अब वो मामला अलग हो गया है नाउ अमेरिका विल अकाउंट फॉर एवरीथिंग वेदर डेमोक्रेट्स इज अ अंडरस्टैंडिंग इन अमेरिका दैट पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड पाकिस्तान हैज बिट्रेड द द कॉन्फिडेंस ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट एंड द अमेरिकन पीपल मल्टीपल टाइम्स ये तो तालिबान भी कहता है ना धोखेबाज है तालिबान भी कहता है धोखेबाज है तालिबान कहता है कि इन्होंने पाकिस्तानियों ने हमें भी धोखा दिया तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं बट आपका ये सवाल कि भाई लश्कर और जैश को क्यों नहीं करते वो करते हैं डिफरेंटली करते हैं ऐसे नहीं करते दे डू इट डिफरेंटली जैसे मैंने एफ का आपको एग्जाम्पल दिया ठीक है जी संतोष वारियर आ, ये कहते हैं कि वेन आई लिसन टू इंटरव्यूज ऑफ आई यूनियन मिनिस्टर्स ये खुद के यूनियन मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का और नमस्कार ये कहते हैं वेन आई लिसन टू इंटरव्यूज विद यूनियन मिनिस्टर यूजली

नेशनल की डिबेट्स देखिए घटिया कोई रिसर्च नहीं है कोई एजुकेशन नहीं है जो मन में आया बकवास करी चले ये बस एक दूसरे को गाली करना इसको चोर कहना इसको डाकू कहना इसको लुटेरा कहना इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते आपने जैसे वैष्णव जी हैं आप उनके प्रेजेंटेशन देखिए आप, आप जयशंकर साहब के प्रेजेंटेशन देखिए ठीक है ना आप किसी और मंत्री के आप गडकरी जी के प्रेजेंटेशन देखिए आपको पता लगेगा कि एक्सट्रीमली कॉर्पोरेट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जैसे फॉर्चून फिफ्टी फॉर्चून हंड्रेड की कंपनी का सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर यू नो कोई अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है हार्ड डेटा हार्ड फैक्ट्स ये करेंगे वो, ये इनको, इनके बस का नहीं है आप गलत ये देखिए डुगडुगी बजा रहा है कोई बंदर ना रहा है यह पाकिस्तानी पार्लियामेंट इज फॉर एंटरटेनमेंट इट्स नॉट फॉर एनी वर्क जो सो so कॉल्ड पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहा वो कह रहा मैं पार्लियामेंट में आऊंगा ही नहीं तो बंदर का खेल है जैसे आपने सर्कस में देखा है ना वो एक बंदा नहीं है क्लाउन जो होता है जो मस्खरा होता है जोकर वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है गोल गोल ऐसे वो वो तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं ये लोग तो इनको ये सोचना कि हमारे मिनिस्टर्स हार्ड डेटा पे बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी ऐसे बात करते हैं गडकरी जी ऐसे बात करते हैं और जयशंकर साहब इस तरीके से बात करते हैं और डोवाल साहब जब जाते हैं तो इस तरीके से बात यार आप वो कंपेयर ही ना करें दे डोंट हैव दैट कैलेवर डोंट एबिलिटी वो मेंटल कैलेबर है नहीं इन लोगों का। का ये ये। तो लुटेरों गिरोह है है। इनको अपना काम थोड़ा ना आता है। Most of them are there क्योंकि कोई किसी की बिरादरी से, करता है, किसी की से करता है, किसी के गांव से बिलोंग करता है किसी का उसने हाथ चूम रखा है किसी ने अंगूठी चूम रखी तो है, इसलिए तो बैठे हैं गुड ऑल्टरनेटिव टू नेटफ्लिक्स एंड एमेजोन प्राइम आपको आप पाकिस्तान पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स आपको देखिए आपको एंटरटेनमेंट होगा लेकिन वहां पे काम नहीं होता वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है ठीक है और आखिरी सवाल जो है आपका हर्ष सलगोत्रा जय हिंद डियर मेजर गौरव माय नेम इज हर्ष फ्रॉम जे के एंड माई क्वेश्चन इज बॉय आई ऑलवेज फाउंड दट वाई जम्मू इज ऑलवेज बींगूडेड फ्रॉम डिस्कशन एंड बजट बींग द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ द होल यूटी थैंक यू सर हर्ष जी नमस्कार और आपके सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी ऐसा है कि आपने बोला कि जम्मू को क्यों अलग कर दिया है इसमें गलती आपकी है डोगरों ने कभी आवाज नहीं उठाई डोगरों ने कभी अपना हक नहीं मांगा ठीक है और मैं कई बार बोल चुका हूं मैं दोबारा बोलता हूं डोगरों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर देश को प्रॉब्लम होगी अगर देश में संकट आएगा तो सबसे आगे लाइन में डोगरे खड़े रहेंगे ठीक है कि देश के लिए हम ये कर दें, देश के लिए ना कर दें। लेकिन इन्होंने कभी अपना हक नहीं मांगा इसीलिए जो पॉलिटिशियंस बैठे थे ना श्रीनगर में चाहे मुफ्ती फैमिली के हो चाहे बेकूफ बनाया हैव टेकन एडवांटेज ठीक है डोगराज मासूमियत का फायदा उठाया है और डोगरों ने कभी आवाज अपनी नहीं उठाई अपना हक नहीं मांगा देखो दो चीजें होती हैं और मेरे तो डोगरा दोस्त है ना मैं मैं समझता हूं डोगरों का दिमाग कैसे चलता है आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डोगरा फ्रेंड्स एन ऑल जम्मू शम्मू में सांबा में आपके आर साइड में ले लीजिए आपके उधमपुर ठीक है ना, ना मैं कई हैं दो चीजें होती हैं एक हक होता है एक फर्ज होता है ठीक है हक वो होता है कि ये मेरा राइट है मुझे मेरा राइट चाहिए लाओ लाओ मेरा हक है ठीक है राइट एक फर्ज होता है कि मेरी ड्यूटी क्या है डोगरों का दिमाग ऐसा है कि दे विल ऑलवेज गो ऑन की मेरी ड्यूटी क्या है मेरा फर्ज क्या है इसलिए आपको इतने डोगरे फौज में मिलते हैं क्यों मिलते हैं फौज में ऐसा नहीं कि उनको नौकरियां और नहीं मिल रही देर इज अ अंडट अमंग डोगरा कि ये मेरी ड्यूटी है ये मेरा फर्ज है मुझे फर्ज पूरा करना है मुझे हक मिले ना मिले वो बात की बात है मुझे मेरा फर्ज पूरा करना है इसीलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो पिछले पचहत्तर साल से और श्रीनगर में तो भगवानी मालिक है तो लोगों ने फायदा उठाया है मासूमियत का नेट-नेट बात ही है और कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूं दिस इज द बेसिक थिंग तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय